गुरुग्राम के दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस पहुंचे। थोड़ी देर में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक को करेंगे संबोधित। डेंगू के खिलाफ जंग में हरियाणा के सभी ग्राम पंचायतों को बांटा जा रहा है फॉगिंग मशीन। पानीपत में बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, डेंगू के खिलाफ हरियाणा लड़ रहा बड़े स्तर पर लड़ाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुनवाई के दौरान मांगे केंद्र सरकार से जवाब, कहा प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, पराली और कूड़े के ढेर जलाने से पर्यावरण को पहुंच रहा नुकसान, सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। गुरुग्राम में मनाया जाएगा महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठीपूर्ति महोत्सव, सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और नेता करेंगे शिरकत। पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर है स्वामी धर्मदेव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कालका से समालका में। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत अंबाला से करेंगे, जहां हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने मीटिंग की है। मीटिंग में एसोसिएशन ने 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से 16 नवंबर की सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल के से एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही बाजार में नकली डीजल आने की वजह से भी पेट्रोल पंप व्यवसायियों को मजबूरन नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन स्ट्राइक पर जाने का फैसला ले रहा है। हमने 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 16 तारीख को सुबह 6 बजे तक हम ना तेल खरीदेंगे ना तेल बेचेंगे, नो सेल नो परचेज, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के। देखो इमरजेंसी सर्विस का हमने पूरी एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सेल चालू रहेगी। आम आदमी या आम कस्टमर, उससे हम पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, भाई हम इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमें स्ट्राइक पर जाना है। नमस्कार जी, हमारी जो आज मीटिंग हुई है, हमारी इसके बीच में 4 डिमांड्स हैं, जो कि पहले हमारे प्रधान जी ने सबसे पहले एक आपको हमारे वैट की समस्या बताई है, जो अब हमारी दूसरी समस्या है, हमारी वो कमीशन की समस्या है। पिछले 5-7 साल से हमारी कोई भी कमीशन नहीं बढ़ी है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में डीजल और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पेट्रोलियम एसोसिएशन का फैसला सामने आया है, जहां 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से 16 नवंबर की सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक करने का फैसला लिया गया है। अंबाला में हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का फैसला यहां पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने किया है। इस दौरान मीटिंग में एसोसिएशन ने 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से 16 नवंबर को सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक करने का फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से अब 24 घंटे की हड़ताल करने का फैसला पेट्रोलियम एसोसिएशन ने लिया है। बढ़ते आगे, जहां अंबाला रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे का अहम स्टेशन है, 5 राज्यों को यह स्टेशन जोड़ता है, साथ ही जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन भी माना जाता है। कोरोना काल के अंदर रेलवे ने पैसेंजर गाड़ियों को कम मात्रा में चलाया, जिसके चलते रेलवे को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि नुकसान की भरपाई रेलवे ने मालपाड़ा टोकर पूरा करने की बात भी कही है। कोरोना काल के बाद उन्होंने अंबाला से कालका चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के बारे में बताते हुए कहा कि पहले 4-5 पेयर चलाए जाते थे, लेकिन अब 1 या 2 ही चलाए जा रहे हैं। उन्होंने जल्द ही इस सेवा को सुचारू रूप से चलाए जाने का संकेत भी दिया। ये
जैसे अंबाला डिवीजन एक डिवीजन है जो उसका 66% एरिया तो पंजाब में लाई करता है और बाकी मेजर एरिया हरियाणा की स्टेट, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कुछ पोर्शन गंगानगर में भी करता है। तो ये अंबाला डिवीजन जो है पांच राज्यों को कवर करता है। तो और बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जम्मू कश्मीर के लिए जो लाइफलाइन है वो इस डिवीजन से पास करती है। और इसके अलावा अंबाला कैंट स्टेशन प्री कोविड के टाइम में करीब 350 गाड़ियाँ अप एंड डाउन की मिला के चलती थी गाड़ियाँ, जिसमें से ज़्यादातर मेल एक्सप्रेस थी और मेल एक्सप्रेस में 90% गाड़ियाँ चल चुकी हैं और पैसेंजर गाड़ियाँ अभी 35% के करीब चली हैं। और बाकी प्राइमरली हमारी डिवीज़न जो है एक तो पासिंग ट्रैफिक है नॉर्दर्न एरिया के लिए, जम्मू है, वैष्णो। और अब आइए आपको सीधा लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। मानेसर में चल रही है उसको और बढ़ा करके और उस प्रोडक्शन को करेंगे और एक प्रकार का मुजारा ऑटो उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, वो और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रासिम पेंट्स का। ग्रासिम पेंट्स की बातचीत पहले रोहतक में चल रही थी लेकिन किन्हीं कारणों से उनको रॉ मटेरियल पानीपत में ज्यादा मिलता था, उन्होंने एक्सचेंज किया है। उस एक्सचेंज में भी कुछ शर्तें और नई जोड़ी गई हैं जिसमें से उनको भी जो कंसेशन देने थे कुल मिला के उसको भी हमने फाइनल कर दिया है। कितने एकड़ पर है? 70 एकड़ के ऊपर वो इंडस्ट्री पेंट की वहां लगेगी। और तीसरा एक प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिए भी एक ऑफर आई है, उसको फाइनल अभी बाद में करेंगे लेकिन रोहतक में एक उस उद्योग का भी आज बातचीत प्रारंभिक हुई है। ऐसे तीन बड़े प्रोजेक्ट थे जिसके लिए आ सकते हैं। फॉगिंग को लेकर जो सिस्टम शुरू किया है, कितनी मशीन आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, और प्लेटलेट्स की जो कमी आ रही है उसके लिए भी कोई प्लान है सर? देखिए ये जो मशीनों का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5,000 फॉगिंग मशीनों का गांव गांव में भेजेंगे, वो आज से भेजनी शुरू कर दी है। और क्योंकि अभी जैसे मौसम भी इस टाइप का हो गया है, जैसे डेंगू भी है तो डेंगू के समय में जल्दी जल्दी बट जाए और इसका फॉगिंग का जो विषय है मच्छर मारने के नाते से काम आएगा, बीमारी ना फैले, तो इसके लिए प्रबंध किया गया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप, जहां वो दो दिवसीय दौरे पर गुरुग्राम पहुंचे हैं। इस दौरान तमाम योजनाओं की शुरुआत भी करते हुए नजर आए। बता दें कि जनता को बड़ी राहत देने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। बढ़ते आगे, जहां ट्रेन से शिमला जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब शिमला जाने वाली पैसेंजर ट्रेन तेज गति से दौड़ेगी। यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। अंबाला डीआरएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल से पहले कालका से शिमला के लिए 6 पेयर चलाए जाते थे, अब एक बार फिर से इनको दोबारा शुरू कर दिया गया है। तो शिमला यात्रियों के लिए खुशखबरी है, जहां अब एक बार फिर से पटरियों पर ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएंगी। पैसेंजर ट्रेन तेज गति से दौड़ेंगी, जहां शिमला जाने वाले पैसेंजर को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यात्रियों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। और जिस यमुना को लोग पवित्र स्थल मानकर वहां स्नान करने जाते हैं, अब वो दूषित होती जा रही है, क्योंकि पानीपत के ड्रेन नंबर 1 और 2 जिनके अंदर पूरे शहर का गंदा पानी जाता है, इन्हीं ड्रेन में पानीपत में औद्योगिक नगरी का भी पानी जाता है। ये दोनों ड्रेनें पानीपत जिला क्रॉस करने के बाद ड्रेन यमुना नदी में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से यमुना नदी का पानी भी दूषित होता जा रहा है। विभाग के अधिकारियों की माने तो पानीपत के इंडस्ट्री के पानी को ट्रीटमेंट करके, यानी पानी को साफ करने के लिए पानीपत में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें इंडस्ट्री के पानी को साफ किया जाता है और उसके बाद उस पानी को ड्रेन में डाला जाता है। वहाँ पे वो 35 MLD के करीब आ रहा है, तो उनकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी पूरी है। उस ट्रीटमेंट के बाद इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंडस्ट्री है उन्नति पार्ट 1-2 में, वो फिर हमारा ट्रीटमेंट करने के बाद पानीपत ड्रेन है जो उसमें डलता है।
उसके बाद जो आउटर एरिया में है, हमारे यहाँ कुराड़ है, सुनोली रोड है, ये बपोली है, तो इसमें जो है, इसमें जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, वो है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कि आप अपने इनबिल्ट प्लांट लगाएंगे, एफिनिटी ट्विन प्लांट होगा, उसके बाद या तो आप एमई मल्टी इफेक्ट वेपरेटर लगाएं कि पानी को पूरे को आप उसको वेपरेट कर दें या उसको रीयूज करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परवीन भारद्वाज पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवीन, यमुना में शहर भर की गंदगी घुलती हुई नजर आ रही है, जहां यमुना को पवित्र स्थल माना जाता है, लोग गंगा यमुना पहुंचते हैं स्नान करने, ऐसे में शहर भर की गंदगी यमुना को दूषित कर रही है। ये बड़ा हार्वेस्टिंग हो है। पानी है उसको नाले में ऐसे ही बहा दिया जाता है और इसी के चलते यह दूषित पानी, केमिकल युक्त पानी जो है सीधा यमुना में पहुंचता है और यमुना को दूषित करता है, जिसके चलते वहां पर स्नान करने के लिए जाने वाले लोगों को कई प्रकार के चर्म रोग और अन्य प्रकार की बीमारियां भी होती है। इसको लेकर सरकार द्वारा भी कई बार मुहिम चलाई गई है, लेकिन पूर्णतः से फैल नजर आ रही है। बिल्कुल, इस दौरान हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यमुना के पानी को साफ करने के लिए पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लेकिन ये ट्रीटमेंट कितना कारगर साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ शहर के सीवरेज प्लांट है जो उनका पानी आता पहुंचता है और उन्हें ही ट्रीट कर जो ड्रेन है उनके जरिए आगे भेजा जाता है, लेकिन जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का सीधा पानी इन नालों में पहुंचता है, जिसके चलते यह पानी और गंदा हो जाता है और यह केमिकल युक्त पानी जो है यमुना को दूषित करता है, जिसके चलते यमुना का पानी लगातार दूषित हो रहा है और आसपास के जो क्षेत्र है वह भी इसकी चपेट में आते हैं। बिल्कुल, आसपास के क्षेत्र हालांकि गंदे पानी की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में बीमारियों का बढ़ना भी एक बड़ी आशंका नजर आ रहा है, क्योंकि इससे लगातार बीमारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आसपास के लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रवीण जी बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है, पहले भी देखने में आया है जिस प्रकार से यह गंदा पानी, और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, बिल्कुल काले रंग का यह पानी हो जाता है, जिसके चलते इससे उठने वाली स्मेल से भी राहगीर भी परेशान है और यह पानी आगे जाके यमुना में मिलता है, यमुना का पानी सिंचाई योग्य भी नहीं रहता और जो श्रद्धालु है उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं जो स्नान करते हैं वह भी चर्म रोग व अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके चलते लगातार लोगों की शिकायत रहती है कि इसकी ओर सरकार को चाहिए कि कड़े कदम उठाए जाएं और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि ऐसी जो इंडस्ट्री है जो सीधे तौर पर जो ड्रेन में अपना पानी छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। बिल्कुल प्रवीण, हालांकि इस दौरान बड़ा सवाल ये भी निकल करके सामने आता है कि प्रशासन और सरकार दोनों ही लोगों से अपील भी कर रही है कि गंगा और यमुना दोनों को ही स्वच्छ रखने की बेहतर कोशिश करें, लेकिन इस दौरान लोगों में जागरूकता का अभाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अपने इंडस्ट्री का, अपने घरों का कूड़ा कचरा भी आसपास की जगहों पर नदी नालों में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं यमुना को भी दूषित कर रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा हो, डाई हाउसेस से निकलने वाला दूषित पानी हो, इंडस्ट्री अन्य डाई हाउसेस से निकलने वाला दूसरा पानी हो, या फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी हो, जो सीधे तौर पर जो ट्रीट न होकर के सीधा ड्रेन में जाता है और आगे जाकर यमुना में मिलता है, कहीं ना कहीं यह यमुना को दूषित भी करता है और लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम करता है। चलिए प्रवीण, बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास। बढ़ते आगे, जहां पानीपत के रामलाल चौक पर छावड़ा फोटो स्टेट की दुकान पर आईडीएफसी बैंक की रिकवरी टीम पूरे दलबल के साथ कब्जा लेने के लिए पहुंची। सेंट्रल लॉक होने के चलते लॉक नहीं खुल सका, तो कटर मशीन से दुकान के शटर को काटा गया। दरअसल दुकान मालिक ने बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया हुआ था, लोन नहीं भरने की वजह से खाता एनपीए हो गया था, जिसके चलते टीम कब्जा लेने के लिए वहां पहुंची थी। वहीं इस बारे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट का कहना था कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई कोर्ट स्टे नहीं है, कानूनी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। Thank you.
पर ही भी हमारे को सिंगल नोटिस दिया कि आज हम इस प्रॉपर्टी का कब्जा लेने आ रहे हैं या कैसे भी। प्रॉपर्टी में टीनेंट था उस समय, टीनेंट से कब्जा ले लिया, उन्होंने भी कहा कि इस प्रॉपर्टी पे मैं किराएदार हूँ और भाई मेरा इस पे कब्जा है और स्टे मेरे पास है। इन्होंने तब भी कब्जा ले लिया, हमने कहा कोई बात नहीं, जो हो रहा है हमने लोन तो ले रखा जी और हम भरने को भी तैयार थे, हम ये चाह रहे थे बैंक से हमारा डिस्प्यूट क्लियर हो जाए। अब फिलहाल क्या हो रहा है जी, प्रॉपर्टी अभी नहीं है, इन्होंने खुद जब कंटेम्प्ट करी उसके बाद इन्होंने खुद ताले खोले, बैंक वालों ने ताले खोलने के बाद टीनेंट इस कब्जे में आ गया, हमें भी नहीं पता इस बात का, चलो आ गया जी। आज फिर से पहले भी हाई कोर्ट का आदेश था कि 30 जून 2021 तक कोई कब्जा ना लिया जाए, किसी प्रॉपर्टी की ऑक्शन ना करी जाए, उसके बावजूद इन्होंने दोबारा से कब्जा भी लिया, सारा काम किया विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, फोटो स्टेट की दुकान पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का लोन होने का मामला सामने आया, हालांकि इस दौरान जब कब्जा करने के लिए अधिकारी वहां पहुंचे हैं तो उनका कहना है कि कोई कोर्ट स्टे नहीं है, वहीं अधिकारियों का कहना है कि कानूनी हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा क्या कुछ अपडेट? देखिए आपको बताना चाहेंगे, रामलाल चौक पर यह दुकान मौजूद है, यह बोस एरिया, पानीपत का बोस एरिया माना जाता है, यहाँ पर छावड़ा फोटो स्टोर की शॉप थी जिस पर बैंक का 1 करोड़ से ज्यादा का लोन पेंडिंग था। कई बार बैंक द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया था लेकिन बैंक की किस्तें नहीं भरने के कारण लगातार बैंक नोटिस पर नोटिस भेज रहा था। आज इस पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर टीम पहुंची थी और साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में ताला तोड़कर इस पर बैंक का कब्जा लगाया गया और मोहर लगा दी गई है। जी बिल्कुल, हालांकि इस दौरान लोगों ने इसका अपोज भी किया है, विरोध भी किया है, लेकिन वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, इस बारे में जो फोटो स्टेट संचालक हैं, उनके मालिक हैं, उनके बेटे से बातचीत इस दौरान हुई थी, उनका कहना है कि वह उनका न्यायालय में केस चला हुआ है और वह कोर्ट की अवमानना के खिलाफ अब ये बैंक को कार्रवाई कर रहा है, बैंक द्वारा इस प्रकार से कार्रवाई को उन्होंने अनलीगल बताया है। लेकिन जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे तहसीलदार कुलदीप मलिक, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी प्रकार का स्टे यहाँ पर नहीं है जिसके चलते कानूनी हिसाब से यह कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल प्रवीण, लोगों ने इस कार्रवाई को इलीगल बताया है लेकिन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी देखिए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर नियुक्त किए गए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार कुलदीप मलिक को नियुक्त किया गया था, उन्होंने साफ कहा है कि वह ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और उन्होंने पूर्णतः से कागज जो डॉक्यूमेंट है उनकी जांच की गई है, प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई कोर्ट द्वारा कोई स्टे नहीं है, कानूनी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए दुकान में रखे हुए सामान को कब्जे में ले लिया है। काफी देर तक यह कार्रवाई चली, इस दौरान भीड़ भी इकट्ठा हुई, भीड़ द्वारा इसने कामों में बाधा भी डालने की कोशिश की, लेकिन जो प्रशासन था वो पूर्णतः से मुस्तैद था, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे, इसीलिए दुकान पर कब्जा अब बैंक द्वारा ले लिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और यहाँ रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम कालका से समालखा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे बात अब अंबाला की करेंगे, जहां लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अंबाला छावनी के पक्कीसराय का है, जहां पर रहने वाले एक 16 वर्षीय ज्योति नाम की युवती ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि उनकी बड़ी बेटी के पति ज्योति के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। वहीं युवती के शव को अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तरुण अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ताजा मामला 16 वर्षीय ज्योति ने आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ मौजूदा अपडेट, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए ये घटना है जब वो हेलो ये तरुण आवाज आ रही है आपको हमारी?
हाँ जी, हाँ जी। तरुण, क्या कुछ मौजूदा अपडेट? पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? पुलिस की कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद ही होनी थी, लेकिन जब उसके पति से बात करने की कोशिश करी तो उसके पति कह रहा है जो उसकी ये उसके रिश्ते में खाली लगती थी, जो उसकी वाइफ ने आरोप लगाए थे कि पति द्वारा उसको तंग किया जा रहा था, उसकी छोटी बहन को, उससे तंग होकर उसने सुसाइड किया। लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। जब उसके पति से हमने बात करनी चाहिए तो उसने कहा ये बिल्कुल झूठ मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरी पत्नी के द्वारा, मेरी सास के द्वारा। जी बिल्कुल तरुण, हालांकि आरोपी ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इस दौरान पत्नी और सास के द्वारा ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत संबंध बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और परिजनों का क्या कुछ कहना? जब हमने उसकी सास और वाइफ से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम आरोप नहीं लगा रहे, ये आने वाले टाइम में सिद्ध हो जाएगा कि ये उसको रोज तंग करता था, एक साल से मैं इसके अपने ही घर रह रही थी, ससुराल नहीं थी, और ये आकर उसको शरीक संबंध बनाने की कोशिश करता था मेरा पति, हमने कई बार समझाया लेकिन ये नहीं माना, तो इससे तंग आकर ही उसने ये कदम उठाया है। तरुण, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर परिजनों द्वारा ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और युवती ने आत्महत्या कर ली है, परेशान होकर ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, ऐसे में पुलिस चुप क्यों बैठी है? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस की बात करें तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी और छानबीन उन्होंने शुरू कर दी है, तब तक जो ने पुलिस ने शुरू कर दिए हैं कि आखिर ये वारदात हुई क्यों, उसने सुसाइड क्यों किया, इसमें पुलिस ने अपनी टीम भेज दी है और वो इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी। बिल्कुल तरुण, हालांकि इस दौरान कई आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस ने क्या इस दौरान अभी तक आरोपी से कोई पूछताछ की है? पुलिस ने उसको थाने में बुलवाया गया है लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं था, जब तक हमारे सूत्रों के हिसाब से खबर है वो थाने पहुंच नहीं पाया था, उसने कहा था कि वो पेश हो जाएगा लेकिन अभी तक वो थाने नहीं पहुंचा था, तो पुलिस ने उसको कहा है कि तो आप अपने आप को सरेंडर करो नहीं तो हम अगली कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के इंतजार के बाद ही पुलिस एक्शन में आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो अंबाला का ये पूरा मामला जहां एक युवती ने आत्महत्या की है, दरअसल परिजनों का आरोप है कि ज्योति नाम की युवती ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उनकी बड़ी बेटी के पति ज्योति के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ते आगे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ढाणे पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नवीन जैन आवास के लिए रवाना हुए हैं। नवीन जैन को किया गया था जांच में शामिल, नवीन जैन आवास के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से, जहां आप प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं सिटी थाना, नवीन जैन को जांच में शामिल किया गया था, अब वो आवास के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नवीन जैन को जांच में शामिल किया गया था, नवीन जैन आवास के लिए अब रवाना हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिटी थाने पहुंचे जहां उन्हें जांच में शामिल किया गया था, लेकिन अब वो आवास के लिए रवाना हो गए हैं। नवीन जैन अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नवीन जैन अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिटी थाना पहुंचे हैं पानीपत का ये मामला, जहां नवीन जैन को जांच में शामिल किया गया था, जिसके बाद अब वो अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं। पानीपत से ये बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिटी थाना पहुंचे हैं, नवीन जैन आवास के लिए अब रवाना हो गए हैं। बता दें कि नवीन जैन को जांच में शामिल किया गया था, अब आवास के लिए वो रवाना हो गए हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, नवीन जो है जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब ये वापस जा रहे हैं। जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे जो पानीपत शहरी थाना पुलिस थी उन द्वारा आज उन्हें पानीपत में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। 3 साल पहले का ये मामला था, जिसके चलते आज भारी समर्थकों के बीच में नवीन जय हिंद पानीपत पहुंचे थे और थाना शहर में हुआ जांच के लिए पहुंचे थे, जहां थाना प्रभारी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 3 साल पहले का यह मामला था जिसकी जांच अभी चल रही थी। जांच में शामिल होने के लिए उन्हें बुलाया गया है और जांच में शामिल कर उन्हें वापिस भेज दिया गया है। बिल्कुल प्रवीण, हालांकि जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब वो अपने आवास वापस जा रहे हैं, क्या उन्हें क्लीन चिट मिल गई है? जी देखिए, इस मामले में अभी पुलिस की जांच निरंतर जारी है। पुलिस का कहना है कि आगामी जांच में जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी, उन्हें कह दिया गया है और उन्हें नोटिस दिया जाएगा, तो वह जांच में शामिल होने के लिए दोबारा से आएंगे। फिलहाल तक इस मामले का कोई खुलासा अभी तक जो है क्लीन चिट इस मामले में नहीं दी गई है। फिलहाल तक जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि अगर दोषी वो निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल प्रवीण, हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, जांच में शामिल होने पहुंचे थे लेकिन अब वो अपने आवास वापस जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम कालका से समालका में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।